So we are doing this chapter, that is why do we fall in. Already we have discussed the types of diseases and what is health, what is disease and what is disease free. Done? Any doubt in that? Okay. Coming to the next is, हम लोगों ने उस दिन diseases की types भी पढ़ी थी. तो टाइप्स में हमने पढ़ा दैट दीज डिजीजेस आर कॉल्ड एज द इन्फेक्शियस डिजीजेस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस एज वेल एज द एक्यूट एंड द क्रॉनिक डिजीजेस. ठीक है, सो टू टाइप्स दैट विच आर देयर इन योर बुक्स, राइट. ट्रांसमिशन पैटर्न पे ही जब हमने इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस किया, तब मैंने आपको बताया था कि दो तरीके होते हैं ट्रांसमिशन के. एक होता है तरीका ट्रांसमिशन का व्हेन इट इज फ्रॉम द यू कैन से इन्फेक्टेड पर्सन टू अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन. ठीक है, एक ट्रांसमिशन का मेथड ये वाला है. और दूसरा ट्रांसमिशन मेथड क्या है, फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. आप लोगों ने सुना होगा ना, द पेरेंट्स आर सफरिंग विद दिस डिजीज, दैट इज व्हाई द ऑफस्प्रिंग्स आर डिजीज सफर्ड. ओके, ठीक है. तो ये सारी चीजें क्यों पॉसिबली होती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स, दे आर हैविंग दैट इन द जीन्स. ठीक है, उससे आगे जाएंगी वो डिजीजेस. अगर ये पेरेंटल है, सिर्फ नाम लिख लो, एज सच आपकी बुक में नहीं है, सो नोटबुक पे भी नहीं करना हमने. ठीक है, अगर ये पेरेंट्स से आगे जाती है इनटू द ऑफस्प्रिंग्स, इफ द डिजीजेस आर ट्रांसमिटेड, जहां आपने डिजीज ट्रांसमिशन किया था, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज आपने दो लिखी है ना, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस, वहां पे साइड में एक बॉक्स बना के अलग से लिख लो, इफ दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, इफ द डिजीजेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, वी कॉल दैट एज कंजेनिटल डिजीजेस. Also, if they are not given and they are attained by a person in the lifespan, मतलब जैसे common cold है, जैसे common cold is कि हम लोग अपनी lifespan में लेते हैं, अभी हो गया, हो सकता है आने वाले साल तक ना हो सकता है दो महीने के बाद दोबारा हो जाए. ठीक है, तो that is we get that, acquire that. ठीक है, so these are the acquired diseases that one acquires during the लाइफ टाइम. ठीक है, जो लाइफ टाइम में एक्वायर की जाती हैं सराउंडिंग से, पेरेंट्स से नहीं. पेरेंट्स से होने वाली डिजीजेस कौन सी हैं, कंजेनिटल, और जो सराउंडिंग से हो रही हैं एक्वायर्ड. ठीक है, एक्वायर्ड में कॉमन कोल्ड जो आपने सराउंडिंग से लिया, कॉमन कोल्ड इज एन एग्जाम्पल. यहाँ पे कंजेनिटल में जैसे डायबिटीज है ना, डायबिटीज या कोई और डिजीजेस, टीबी तो नहीं होता. एड्स इज व्हेन द फीमेल, दैट्स अ मदर, शी इज सफरिंग विद एड्स, एंड देन द फीटस, दैट इज द चाइल्ड व्हेन इट इज इन द वूम्ब ऑफ द मदर, एट दैट टाइम द फीटस गेट्स द डिजीज. ठीक है, हाँ जी, एंड हाउ इट स्टार्टेड, डायबिटीज होता है फ्रॉम द मदर पेरेंट्स, छोटे बच्चे को नहीं, वो बड़ी होकर जब एज में आते हैं तो उसको भी वो इफेक्ट्स जो है वो नजर आने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि उसी समय बाय द बर्थ ही उसको सीधे वो डिफेक्ट्स आ जाएंगे. डिफेक्ट्स होते हैं कुछ और, जैसे कोई भी डिजीजेज हैं, कॉमनली डोमिनेटिंग डिजीजेज हैं, जैसे कि वो डिजीज जनरेशन में आ रही है आगे आगे आगे. ठीक है, तो वो जनरेशन में आते आते हर ऑर्गेनिज्म के अंदर होगी, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स में थी, पेरेंट्स में आ गई, उसके बाद ऑफस्प्रिंग्स में आ गई, वो होती है कंजेनिटल डिजीज. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस. ये आपके बुक में नहीं है नो डाउट, बट आपको सिर्फ टर्म पता होना चाहिए. आउटब्रेक कहीं ना कहीं से तो इसका शुरुआत हुआ होगा. ठीक है, दैट इज नॉट श्योर कि एड्स वैसे शार्पेंड ऑब्जेक्ट्स से होता है, वायरल इन्फेक्शन से होता है, वायरस जो होता है एच आई वी का, तो वो जब भी ब्लड की ट्रांसफ्यूजन में आता है देन इट स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस. सो अदरवाइज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर जब हम बोलते हैं, तो दैट इज द वन जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है. तो हो सकता है ऐसे ही जब भी पहले बंदे को जिसको भी हुआ हो या किसी को भी न्यू बंदे को भी हो रहा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो रहा है, बट वायरसेस अंदर इन्वेड करें या किसी ऐसी स्ट्रक्चर से मिल जाएं जो कि वायरसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ वायरसेस नहीं. जो बॉइलिंग है वो 99.9% किलिंग करती है, 0.1% किलिंग नहीं करती. वो वायरसेस हैं, वायरसेस के ऊपर तो वो इफेक्ट बहुत ही लीस्ट होता है. बैक्टीरियाज भी हैं. आप पानी उबालते हो ना, कभी आपने देखा हो अगर पानी उबाला हो, उसके ऊपर व्हाइट परत आ जाती है, पूरी एक लेयर आ जाती है व्हाइट व्हाइट,
ठीक है, तो दैट इज द माइक्रोब्स, दे आर जस्ट डाइंग एंड दे आर कमिंग आउट एंड दीज कैन बी रिमूव्ड बाय सीविंग. उसको हम छान देते हैं तो वो सीविंग से क्लियर हो सकती है, वो जो सारा वेस्ट मटेरियल इम्प्योरिटीज वो सब चीजें ऊपर आ जाती है बाय बॉइलिंग. ठीक है, लेकिन स्टिल वी से 99.9% माइक्रोब्स हैव बीन किल्ड, स्टिल 1% आर देयर इन द वॉटर ओनली. ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जो बहुत हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं. ये वो वाले बैक्टीरियाज है, ये तो कुछ ही बेचारे हैं जो हमारे बॉइलिंग 100 डिग्री पे भी नहीं किल हो पा रहे, लेकिन कुछ एक बैक्टीरियाज तो ऐसे हैं जो वोल्केनोस के अंदर भी जिंदा रहते हैं, सर्वाइव करते हैं वोल्केनिक इरप्शंस में. दैट इज आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज्यादा हॉट टेम्परेचर होता है, रेड हॉट होता है वो बिल्कुल, है ना, तो उतने में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं. माइक्रोब्स तो बेटा बहुत हैं, माइक्रोब्स में तो सर्वाइवल उनका बहुत वास्ट है. ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स में आप गर्म से गर्म पानी जो है वहां पे देख लो. ठीक है, प्योर एसिडिक कंडीशंस में देख लो वहां पे होते हैं. माइक्रोब्स अलग अलग हैं, बैक्टीरियाज एक कैटेगरी. ठीक है, हाँ जी. नेक्स्ट इज द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन और द मोड्स ऑफ स्प्रेड. मोड्स ऑफ स्प्रेड और ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस. नाउ द मोड्स ऑफ स्प्रेड और द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू, दैट इज डायरेक्ट मेथड्स ऑफ स्प्रेडिंग द डिजीज और इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ स्प्रेडिंग द डिजीज. व्हाट आर द डायरेक्ट मेथड्स ऑफ स्प्रेडिंग द डिजीज? डायरेक्ट मीन्स वन शुड बी इन कॉन्टैक्ट. ठीक है, कॉन्टैक्ट इज ईदर फिजिकल कॉन्टैक्ट और द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. So coming first to the physical contact. Physical means your physical features like your hand. Supposing ringworm disease, आप लोगों ने सुनी है सबने? Ring guard की वो ad आती होती है ना, ring guard की देखी ad, है ना? तो ring guard की ad में वो दिखाते हैं दांत कैसा होता है ना, that is a ringworm. Disease भी ringworm है, उसका agent जो cause करता है उसका नाम भी ringworm है. ठीक है, it is a worm which is ring shaped. इस तरह होता है ये worm. ठीक है, ring shape होता है. तो ये वाला वॉर्म जो है दैट इज क्रिएटिंग द डिजीज, दैट इज कॉजिंग द डिजीज, कॉल्ड एज रिंग वॉर्म. ठीक है, अब ये रिंग वॉर्म जो है वो बहुत ही ज्यादा कंटेजियस टाइप की डिजीज है. मतलब अगर आप उसको हाथ पे हाथ, जैसे सपोज किसी हाथ पे आपके हुआ है दाद ऑलरेडी, अगर आपका ही हाथ दूसरे हाथ पे भी टच हो जाएगा ना, तो वहां इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाती है. इतना ज्यादा कंटेजियस है, मतलब इतना ज्यादा बाय फिजिकल कंटैक्ट वो चलता है. ठीक है, That depends कि how precautionary you are handling it, है ना? Deadly नहीं है, it is not deadly. नहीं, वो जो irritation होता है वो तो उसका अपना feature है ना, something a new organism is there on your body and that will be obviously irritating you, है ना? Simple एक lice छोटी सी है, वो ही बालों में चले जाए तो कितनी irritation होती है उससे. हाँ जी, यूजली क्या है, ये हमारे जो पाम्स की इनर साइड्स है ना, ये ज्यादातर इन्फेक्शन को वो नहीं है, आउटर इन्फेक्शन के लिए प्रोन नहीं है. ठीक है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इनर हैंड स्किन. ठीक है, लेकिन वो इंटरनल इन्फेक्शन के लिए प्रोन है. अंदर से कोई प्रॉब्लम आती है ना तो वो आपकी यहाँ पे आएगी. ठीक है, बॉडी के इंटरनल इन्फेक्शन अगर यहाँ पे, बाकी ये है कि आपकी ये स्किन में ज्यादा इन्फेक्शियस नहीं होता, बट स्टिल आपकी जो हैंड है, जैसे आपके फेस पे लग गया या आपके कहीं पे भी, आपको उसको हर वेले ऑइंटमेंट से या किसी चीज से ढक के रखना पड़ता है ताकि इसका अपना इन्फेक्शन जो है वो आगे ना फैले. ठीक है, एंड ऑल्सो प्रिकॉशनरी इफ समबडी इज सफरिंग विद द दाद. ये कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक केस है. ठीक है, हो जाती है और वो गंदी लुक आती है ना, और प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद इरिटेशन बहुत होता है, रेडनेस हो जाता है, क्लियर कब होगा ये टेंशन रहता है, खाते पीते हाथ के ऊपर है तो गंदा लगता है ना. तो ये जो है दाद जो है, रिंग वॉर्म जो है, ये जल्दी जाता नहीं है. ठीक है, एक बार ही हो जाए तो जल्दी जाता नहीं है. बस रिंग गार्ड वगैरह ये करते हैं कि वो उसको गार्ड करते हैं आगे ना फैले, नहीं तो ये अपने आप में ही बहुत फैल जाता है. ये अपने आप में भी बहुत फैलता है, इतना ज्यादा ये स्प्रेड होता है. खत्म होता है लेकिन बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट चाहिए, बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट चाहिए. इट इज रियली दैट इज ट्रू जो ये कह रहे हैं आदित्य. ये जो प्रॉब्लम है ना, ये अगर आप दवाइयां खा के इन्फेक्शन इसको ठीक कर भी लें तो आफ्टर अ फ्यू मंथ्स वापस फिर से ये रीगेन हो जाएगी. हो सकता है उसी बॉडी ऑर्गन में हो जाए, हो सकता है किसी भी बॉडी ऑर्गन पे आ जाए, उसी बॉडी के अंदर. इम्यूनिटी लो में तो सारी डिजीजेज ही होती है. ये बेसिकली फंगल अटैक है. ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ सम फंगस.
ठीक है, नहीं फंगस नहीं, फंगल भी है ये, प्रोटोजोन है, वर्म्स प्रोटोजोन, ठीक है। सो दिस इज द फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिजिकल कॉन्टैक्ट मीन्स एनी इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बाय शेकिंग ऑफ द हैंड और क्लोजिंग द टू थिंग्स दैट इज इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। दो चीजों को कॉन्टैक्ट में लेके आने में, एक इन्फेक्टेड है एक नॉन इन्फेक्टेड है, तो उनको कॉन्टैक्ट में लाने पे ये स्प्रेड होता है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज फिजिकल कॉन्टैक्ट, ओके। देन इज द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। You are the 9th standard students and you have studied the reproductive systems in your 8th class, है ना? So when the sexual contacts or the reproductive systems they come in contact with one another, the disease may be transmitted from one organism to the another. And the best example of this is the AIDS. AIDS, HIV AIDS मत लिखा करो. AIDS is the name of disease. And always remember, AIDS capital में लिखना, ठीक है? बच्चे क्या करते हैं समझाने के बावजूद भी आप एड्स ऐसे लिखते हो, दिस एड्स मींस हेल्पिंग हैंड्स, है ना, समथिंग दैट विच एड्स टू अवर रिक्वायरमेंट, मतलब जो चीज हमें हेल्प करती है हमारी रिक्वायरमेंट में, दैट इज एड्स। ये एड्स फुल फॉर्म है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? एक्वायर्ड इम्यूनो। अभी यही वाला देखो डिजीज में हम वर्ड यूज कर रहे हैं एक्वायर्ड, क्योंकि ये लाइफ टाइम में होगा, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म से होगा, कैसे भी होगा, पर लाइफ टाइम में होगा, पेरेंट्स से नहीं आता। पेरेंट्स से आने का सिर्फ एक ही चांस है, जब ये इन्फेक्टेड मदर से उसके फीटस में होगा, ठीक है। लेट से इफ द इन्फेक्टेड मदर इज देयर एंड द मदर इज कंसीव्ड, ठीक है, एंड इन दैट टाइम बेसिकली दैट विल गो टू द फीटस एंड द फीटस विल बी सफर्ड विद द एड्स सिंस बर्थ, ठीक है, बर्थ से ही उसको एड्स का प्रॉब्लम जो है वो रहेगा, ठीक है। सो दिस इज एक्वायर्ड इम्यूनो नहीं, इसको खत्म करना बेटा, इसकी सिर्फ अर्ली एजेस पे, अर्ली स्टेजेस पे इसको सिर्फ खत्म कर सकते हैं। अगर एड्स हो जाता है तो अर्ली स्टेजेस पे इसको किल करना, खत्म करना इज इजी, दैट हैज सम ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। वो पॉजिटिव जाएगा कि नहीं दैट डिपेंड्स, बट जब ही तक ये पता चलता है अर्ली स्टेजेस पे ये डायग्नोज ही नहीं होता कभी, ठीक है, ना तो उस सफरर को पता चलता है ना डॉक्टर्स को पता चलता है। तो जब तक ये पता चलता है तब तक के लिए स्टेज बहुत लेट हो चुका था एंड नो ट्रीटमेंट्स बेसिकली ऑन दिस। फीटस के केस में इसको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, बट आई डोंट थिंक कि वो, क्योंकि ट्रांसमिट हो रहा है मदर से, तो वो तो इन्फेक्शन जाना ही जाना है टिल बर्थ, बर्थ तक फीटस मदर के कंटेक्ट में, तो वो तो ट्रांसमिशन जाता ही जा रहा है, ठीक है। एंड जब भी उसका आफ्टर बर्थ शुरू होता है तब ट्रीटमेंट शुरू की जा सकती है, प्रोलॉन्ग की जा सकती है लाइफ, लेकिन इफेक्ट नहीं खत्म हो सकता, ठीक है। दैट इज अ काइंड ऑफ अ वेरी हार्ड डिजीज यू कैन से, विच कैन बी क्लियर्ड ऑफ, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अभी जब भी कोरोना हुआ था तो वो भी तो डिजीज ऐसे ही था कि जिसका कॉज मसा पता चला है, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट ढूंढने में टाइम तो लगेगा ना, कुछ तो लगेगा ही, तो ऐसे ही है ये सारी डिजीजेस। एड्स के सिम्टम्स होते हैं बेसिकली, देर आर नो सच सिम्टम्स विच कैन बी डायग्नोस्टिक, ठीक है। हमारे जो डायग्नोस्टिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कोल्ड हो गया तो हमें क्या होता है, एक डायग्नोस्टिक सिम्टम है हमारा रनी नोज, है ना, अकम्पेंड बाय द हेडेक एंड बॉडी एक, है ना, हमारा प्रॉपर एक जो हमें प्रॉपरली समझाता है कि वी आर सफरिंग विद कोल्ड, दैट इज योर रनी नोज यूजली, है ना, तो दैट इज द सफरिंग विच वी कैन नोटिस। बट एड्स में सारी चेंजेस इंटरनल है, ब्लड इन्फेक्शन हो रहा है, अंदर वायरस बढ़ते ही जा रहे हैं, उसका हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है। पहले की स्टेज में क्या होता है, ये सिर्फ एंटर करते हैं और अपनी मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ये है मल्टीप्लिकेशन, आपको ट्रीटमेंट करवाएंगे आगे जाके। तो जब ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस समय में अगर रोक दो तो ये रुक जाएंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगी, इफेक्ट अभी आना शुरू ही नहीं हुआ, है ना। लेकिन उसके बाद क्या है कि जब ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और ये थाउजेंड्स को क्या लैक्स में काउंट बना लें, और जब तक इनका वो लाखों का काउंट बन गया हमारी बॉडी के अंदर, तब तक हम बिल्कुल नॉर्मल अंदर अंदर ब्रेकडाउन्स दे रहे हैं, हल्का हल्का बुखार होता है, हल्का हल्का थोड़ा बहुत, जैसे ये कोल्ड हो गया, ऐसे सिम्टम्स आ गए, बॉडी एक हो गया, कुछ ऐसे हल्के हल्के सिम्टम्स आ गए। बट उसके बाद जब ये सिवियर कंडीशन पे पहुंच जाता है, उस समय में पूरा इम्यून सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब हमारी पूरी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगी, टोटली द पर्सन गेट्स प्रोन टू ऑल द डिजीजेस, मतलब उसको डिजीज पे डिजीज हो रहा है, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम देखो क्या है, हमारे अराउंड क्या एयर है, एयर इज हैविंग सो मेनी ऑफ द माइक्रोब्स,
एंड वो माइक्रोब्स हमारे कंटेक्ट में डेली है ना, हम बोलते हैं हमारे मुंह के अंदर एयर जाता है उसके साथ जा रहे हैं, पर हमारी नेचुरल बॉडी डिफेंस सिस्टम है, वो डिफेंस सिस्टम इनको किल कर रहा है डेली। पर अगर वो डिफेंस सिस्टम ही खराब हो गया तो किल कौन करेगा? कोई नहीं। हेंस इट गिव्स अ नंबर ऑफ सिम्टम्स। ये जो टर्म यूज किया ना सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? दैट इज अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, सिम्टम्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो इसको हम बोलते हैं सिंड्रोम। बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के, जैसे आपको मैंने अभी एग्जाम्पल लिया है कॉमन कोल्ड का। कॉमन कोल्ड किसकी डिजीज है, कौन से सिस्टम की? रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की है ना, नेजल चैम्बर एंड ऑल, यही सारा मेनली प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, म्यूकस बन जाता है, वो वाला म्यूकस दैट इज ऑल इरिटेटिंग यू पीपल, है ना। तो ये क्या है, कॉमन कोल्ड के बारे रेस्पिरेशन से कंसर्न है, नेजल चैम्बर से कंसर्न है। तो यहाँ यहाँ तक रहेगा, दैट इज वन सिम्टम फॉर वन डिजीज। लेकिन अगर बहुत सारे ऑर्गन खराब हो रहे हैं, स्टमक खराब है, डिजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया, सर्कुलेशन में हार्ट बीट बहुत तेज चल रहा है, यूरिनेशन बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है ना, तो कितने कितने ऑर्गन्स खराब हो गए, मल्टीपल सिम्टम्स आ गए मल्टीपल ऑर्गन्स के, तो तब हम टर्म यूज करते हैं सिंड्रोम। ठीक है, ये वायरस है, वायरस कॉज करता है, दैट इज एच आई वी। एच आई वी स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो वायरस, या इसको बोलेंगे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी तरह से इसको कह सकते हैं। हाँ, दिस इज अ रिसेसिव टाइप ऑफ अ डिजीज विच इज नॉट फाउंड इन मोर ऑफ द ऑर्गेनिज्म बट स्टिल इट इज प्रिवेलिंग। हाँ जी, माइक्रोब्स एयर में नहीं है, ये सिर्फ बॉडी के अंदर है, इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी के अंदर है, ये एयरबॉर्न डिजीज नहीं है ना। इसका डिजीज का कंटैक्ट से, सेक्सुअल कंटैक्ट से या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही सिर्फ इसका रिलीज है, मतलब वो एयर में है भी तो इनएक्टिव है, कुछ नहीं कर रहे, एयर में नहीं, बॉडी के अंदर है, ब्लड के अंदर लिविंग है। एक ब्लड जो है, जैसे किसी को ब्लड ग्रुप, जैसे ब्लड कमी हो जाती है ना, तो वो ब्लड चढ़ाते हैं पेशेंट को, है ना। तो अगर वो ब्लड जो लिया है, जो ब्लड डोनर है, वो खुद ही एड्स इन्फेक्टेड होगा तो वो वायरस उसके अंदर चला जाएगा, दूसरे पेशेंट में फैल गया। एयर में नहीं होगा, एयर से, ये एयरबॉर्न डिजीज नहीं है। जो एयरबॉर्न डिजीजेस है वही एयर से जाके हमारे बॉडी के अंदर एक्टिव होंगे। ठीक है, जैसे हमारा ये कोरोना का बहुत सारा आता था न्यूज में, जब ये शुरू हुआ था तो कोरोना के क्या बोलते थे कि सर्फेसिस के हिसाब से कोरोना वायरस जो है वो उतने घंटे सस्टेन करता है बोलते थे ना। तो वो कहते थे कि अगर वो क्लोथ्स पे लगा है तो 9 आवर्स जिंदा रहेगा, न्यूज़पेपर्स पे है तो 7 घंटे जिंदा है, है ना, पेपर्स के ऊपर, ये कागजों के ऊपर लगा है तो 7 घंटे जिंदा है, समथिंग समथिंग ऐसा था। तो उसमें क्या था कि हमें यही प्रिकॉशनरी मेजर्स दी हुई थी कि व्हेन यू कम फ्रॉम द होम टू योर, सॉरी फ्रॉम आउटसाइड टू योर होम, तो वहां आके आप लोग कोशिश करिए आते ही अपने हैंड्स जो है उसको वॉश करिए, क्योंकि आपके हाथों पे बहुत ज्यादा लगे पड़े हैं, आपके हेयर्स में है बोलते थे ना, तो हेयर्स कवर करके रखो, कुछ ऐसा ऐसा। तो वो क्या है, दैट इज एयरबॉर्न, वो तब तक के लिए सर्वाइव कर रहा है, जिंदा है उतने घंटे के लिए, जब हमने उसको इनहेल कर लिया, इनहेल नहीं अंदर ले लिया, उस समय में अंदर जाने के उसके दो ही पाथवे थे, एक तो आपकी आईज के थ्रू, दूसरा आपके माउथ के थ्रू। ठीक है, ये मास्क सिर्फ इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि हम लोग, एयर की वजह से नहीं है ये मास्क, ये इसकी वजह से कि हम अपने हाथों का कंटैक्ट इन दो पैसेजेस पे ना करें। ठीक है, नेजल अंदर, नॉट बाय इनहेलेशन बट अंदर, अगर आपकी स्किन पे लगा है, आप अपने नोज को टच करते हो, इनर साइड को अगर टच करते हो, तो वहां पे क्या है कि देयर विल बी चांसेस कि वो वायरस अंदर चला जाए, तो ये इसके लिए मास्क है। ठीक है, आपकी आईज पे कुछ भी अगर इरिटेशन होता है तो हाथ से नहीं करना चाहिए, उसके लिए हैंकीज रखो जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, हैंकी के साथ ऐसे आईज को जो है रब कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कैसे कौन सी डिजीज जा रही है। हाँ जी, एयर में तो है ही है, एयर की वजह से तो इन सर्फेसिस पे है, पर जब भी आप एयर और सरफेस इन दोनों के कंटेक्ट में हो, आपकी स्किन पे है, पर वहां तक कुछ नहीं है उसका इफेक्ट, वहां तक, हाँ जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर करा ना वो, तब हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आया। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट इज, यही दो मेथड से सिर्फ डायरेक्ट ट्रांसमिशन गए, कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन इज थ्रू एयर, फर्स्ट इज थ्रू एयर। हाँ जी,
कैंसर कुछ टाइप्स का ट्रांसफर होता है पेरेंटल, जो पेरेंटल जीन्स में आ जाते हैं वो होते हैं सिर्फ, सारे टाइप्स ऑफ कैंसर नहीं। एस्थमा इज बिकॉज ऑफ द एल्वियोलर सर्फेस दैट विच कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू सम कंडीशंस लाइक स्मोकिंग हो गया, टोबैको हो गया, इन चीजों से। हाँ जी, नेक्स्ट इज दिस थ्रू एयर, दैट इज द एग्जाम्पल इज वेरी कॉमन टू ऑल, दैट इज अ कॉमन कोल्ड। ठीक है, हाउ द कॉमन कोल्ड स्प्रेड्स, व्हेन वी स्नीज और वी कफ द इन्फेक्टेड पर्सन थ्रोज आउट ऑल द ड्रॉपलेट्स इनटू द एयर, द एयर हैज दैट पर्टिकुलर माइक्रोब्स दैट इज विच कॉजेज द कॉमन कोल्ड टू द अदर पर्सन हु इनहेल्स दैट एयर, है ना। अगर तो कॉमन कोल्ड वाले बंदे को पूरा प्रॉपर आइसोलेट करके रख दें 6 दिनों का, हम लोग को पता है कि इसका पीक डे जो है वो 5 to 7 days रहना है। वायरल इन्फेक्शन हमेशा 5 से 7 दिन के लिए ऑन एन एवरेज उसका इन्फेक्शन रहता है। कोई खतरनाक वायरस है जैसे कोरोना है तो उसका 14 दिन हो गया, है ना। कोई और कम वायरस है तो हो सकता है उसका कम डेज का होगा, लेकिन ये पीक वैल्यू है। आपको कोल्ड कभी भी हुआ होगा तो वो मिनिमम 5 दिन लेकर ठीक हो, है ना, मिनिमम 5 maximum 7, इसके ऊपर नहीं जाएगा, इससे कम नहीं रहेगा। अब ये क्या होता है कि कोल्ड जो है क्योंकि वो हमें एयर से हुआ है, दैट इज द इनडायरेक्ट मेथड। समबड़ी इन द क्लास मे बी दैट हैड द स्नीज और द कफिंग एंड फ्रॉम दैट समबड़ी टू समवन एल्स जो इन्फेक्शन है वो हो गया, बट दैट वाज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दैट वाज थ्रू द एयर, सो इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मेथड। डन। सेकेंड इज थ्रू कंटेमिनेटेड food and water, through contaminated food and water. What do you understand by the word contaminated? Not uncovered. This is contaminated means when you are having the infection is there, the microbes are there in the food and water. Food and water mein jab infection hoga, कंटेमिनेशन वर्ड हम तभी यूज करते हैं जब माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड नाउ द एग्जाम्पल फॉर दिस इज कॉलेरा। कॉलेरा इज अ बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, एग्जाम्पल इज कॉलेरा। डेंगू नहीं, डेंगू बैक्टीरिया आगे आएगा, वो तो वेक्टर्स से है, मॉस्किटोस से। हाँ, टाइफॉइड, हाँ वो भी हो सकता है। टाइफॉइड की एक स्टोरी भी है, हम 12th में शेयर करते हैं। डायरिया भी हो सकता है। टाइफॉइड का एक स्टोरी है छोटा सा, दैट इज देयर वाज अ लेडी हुज नेम वाज मैरी। ओके, एंड शी यूज्ड टू सर्व द फूड टू डिफरेंट पीपल थ्रू द टिफिन सर्विस होती है ना, जैसे टिफिन सर्विस होता है तो उसमें वो टिफिन बना के भेजते हैं अलग अलग ऑफिस में अलग अलग लोगों को। एंड शी वॉज हैविंग अ गुड बिजनेस एंड शी वॉज रनिंग अ वेरी गुड बिजनेस एक्चुअली। तो शी यूज टू मेक दैट फूड इन द लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा मतलब खाना बनाती थी। एंड डेली शी वॉज हैविंग, क्योंकि कंटेमिनेशन उसके अंदर था एंड थ्रू फूड जाना थी वो कंटेमिनेशन। ठीक है, सो डेली शी वॉज जस्ट डूइंग हर ओन जो भी घर के काम आसपास जो भी उसने करते रहना सारा, एंड अलॉन्ग विद दैट शी वॉज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर द फूड। ठीक है, टिफिन बनाने, टिफिन सर्विस करना ये काम था उसका। शी हरसेल्फ वॉज अ सफरर ऑफ टाइफॉइड। ठीक है, वो खुद से अपनी टाइफॉइड की सफरर थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हेन शी सप्लाइड दिस फूड टिफिन सर्विसेज टू द डिफरेंट ऑफ द पीपल, एक साथ उसके जितने कस्टमर्स थे वो सारे बीमार पड़ गए, सबको टाइफॉइड जो है वो डायग्नोज हुआ। तो बाद में देखा गया कि ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे लोग, कम से कम 200-250 बंदे जिनको वो टिफिन भेज रही है, वो इतने सारे लोग जो है एक साथ क्यों ऐसे बीमार पड़े, सबको क्यों ऐसा टाइफॉइड जो है डायग्नोज हुआ। Then it was noticed that it is from the food that they are getting, and the food is being contaminated by the lady who is preparing. और उसके बाद उस lady का नाम डाला गया Typhoid Mary. ठीक है, उस lady का नाम डाल दिया था Typhoid Mary. So this is a case study, that is a regional study. हाँ जी, अच्छा ये बहुत पुराने बात है ना, इसलिए जिंदा छोड़ दिया। चलो, so this is typhoid was also from the food and the water. हाँ जी, food जो है देखो, अभी खाना बनाने वाले जो इतना सारा, आपके घर पे भी अगर कोई कुक लगी है तो how hygienic she can be, कितना ज्यादा से ज्यादा hygiene conditions opt करता है, कोई भी नहीं करता। हम लोग हैं अपनी फैमिली के लिए यूज करेंगे, हर 10 मिनट के बाद आपकी मम्मा जो है वो हैंड वॉश करती होंगी,
कहीं थोड़ा बहुत भी कचरे पे या इधर उधर कहीं हाथ लगे, हाथ धो के फिर कुछ आगे करेंगे, है ना। सो हम लोग को ये हैबिट रहता है कि हम अपनी जितनी हाइजीन प्रॉपरली फूड में किचन में जितनी प्रोवाइड कर सके वो करें, बट दीज पर्सन दे आर जस्ट इन अ हरी ऑफ टू कम्प्लीट द वर्क एंड अटेन मनी, है ना। सो इसलिए उन्होंने इतना उस हाइजीनिक कंडीशन का ध्यान नहीं रखा होगा, तो उससे जो है फूड के थ्रू आगे चला रहे। हाँ जी ठीक है। सो द नेक्स्ट इज थ्रू कंटेमिनेशन हो गया, नेक्स्ट इज थ्रू द वेक्टर्स। नाउ व्हाट आर वेक्टर्स? बातें नहीं, हाँ जी, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, एग्जांपल कॉलेरा। ओके लेसन, थ्रू वेक्टर्स, वेक्टर्स लाइक मस्किटोज, वेरी राइट। मस्किटोज दे एक्ट एज द वेक्टर्स and the vectors, they are carrying the causative agent. Causative agent is what? That is going to cause the disease. ठीक है, अब जैसे अभी ये on days हमारी आजकल में जो prevailing है, that is the dengue, है ना। Dengue is so in highlights. Otherwise also malaria is a disease. Chikungunya, that was some years back जब ये chikungunya problem था, ठीक है। तो ये diseases क्या हैं? बातें नहीं करो बच्चा। ये डिजीजेस क्या हैं? दीज आर ऑल द डिजीजेस दैट विच एक्चुअली आर ट्रांसमिटेड थ्रू समथिंग विच इज इन्वॉल्व्ड एज अ व्हीकल इन बिटवीन। व्हीकल मतलब जिसने एक इन्फेक्टेड पर्सन से उठाया और हेल्दी पर्सन को दे दिया। अब ये खुद में एक ऑर्गेनिज्म होते हैं। वेक्टर का मतलब क्या है? ये खुद में एक ऑर्गेनिज्म है जो ये कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया, जैसे ये मलेरिया की एग्जाम्पल ये आपकी बुक में भी है। तो मलेरिया इज अ डिजीज, this is an example, and it is caused by, malaria is caused by plasmodium. Plasmodium is a protozoan. Plasmodium, नहीं, plasmodium is a protozoan. Plasmodium क्या करता है? ये एक microbe है, protozoan microbe है, ठीक है। अब suppose एक infected person है, right? Mosquitoes, that is the female Anopheles mosquito, that is which is a vector for this. Vector कौन है इसका? That is a female Anopheles mosquito. मक्खी नहीं है, मच्छर है, मस्किटो। हाँ, जो ब्लड पे फीड करता है वो फीमेल होता है, जो हमारे ब्लड पे आके नहीं फीड करता वो मेल होता है। मेल मस्किटो, हाँ, मेल मस्किटोज जो होते हैं दे डू नॉट फीड ऑन द ब्लड ऑफ द फीमेल्स। ज्यादातर खून कौन चूसती है? फीमेल्स, है ना, इसीलिए। अभी फीमेल मस्किटोज जो हैं, लेसन actually what is there in the female mosquito and what is how the male mosquitoes they feed, they get their food. The male mosquitoes, they get their food from the flowers, the flower nectar. आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे mosquitoes, छोटे छोटे mosquitoes होते हैं जो flowers के आसपास ज्यादातर मिलते हैं। They are all the male mosquitoes, ठीक है। They do not require the nutrients as the females they require for egg laying, ठीक है। And for the nutrients, what best than the human blood? ह्यूमन ब्लड के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स हैं? द फीमेल्स दे हैव टू ले द एग्स, दैट इज व्हाई दे नीड मोर न्यूट्रिएंट्स एंड हेंस दे फीड ऑन द ह्यूमन ब्लड। पर लेकिन वही न्यूट्रिएंट्स चाहिए एक मिनट, हाँ, तो वो वायरस यहाँ पे नहीं, वेक्टर के थ्रू नहीं जाएगा, वेक्टर के थ्रू वही माइक्रोब करेगा। ये मैं आपको बताऊंगी, आपको आपकी जो कंफ्यूजन है ना वो आते आते चैप्टर्स में खत्म होंगी। हाँ, हाँ, तो उसके ऊपर भी तो जाते ही होंगे, पर हमारे अंदर भी तो मिलते ही, ठीक है। हाँ जी, साइलेंस साइलेंस। सो लेट मी कंटिन्यू दिस। टाइम कितने बजे ओवर होता है? 45। ओके, इट्स 45। सो आई विल कंटिन्यू दिस नेक्स्ट टाइम। आई स्टार्ट विद द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम ओनली। ओके, एनी क्वेश्चन? हाँ जी, फिफ्थ पीरियड भी मेरा ही है।